नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। मैं हूं आपके साथ कनिका। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को करारा झटका लगा है। कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता को खो दिया है। कांग्रेस दिग्गज नेता सुंदरलाल तिवारी का हार्ट अटैक के बाद सोमवार को निधन हो गया। तिवारी को सुबह हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान तिवारी की मौत हो गई। गांधी अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि उनके निधन की खबरें मिलने के बाद समर्थकों में शोक की लहर छा गई है। आपको बता दें कि सुंदरलाल तिवारी मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत श्रीनिवास तिवारी के बेटे हैं। सुंदरलाल तिवारी रीवा संसदीय सीट से सांसद भी रह चुके हैं। सुंदरलाल तिवारी 2018 के विधानसभा चुनाव में रीवा जिले के गुड़ सीट से लड़े थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सुंदरलाल तिवारी रीवा जिले के गुड़ विधानसभा सीट से 2013 में विधायक रहे। वहीं रीवा लोकसभा सीट से 1999 में सांसद निर्वाचित हुए थे। निधन हो गया, क्या क्षति है बिंदी के लिए, किस तरह से उनको देखते हैं? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आघात हम सबको लगा है। और वो एक सक्रिय राजनीतिक कर्मी थे, समाज के लिए, जिले के लिए विकास का वो तत्पर रहते थे। और एक ये पीढ़ी, हम लोगों की पीढ़ी थी, उनमें ये पहले इस तरह के राजनीतिक हैं जो हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित रूप से उनके साथियों, समाज के लोगों को आघात लगा है। ईश्वर उनके परिवार को, उनके समर्थकों को, उनके साथियों को निश्चित रूप से एक दुख की घटना कुछ नहीं हो सकती है। ये केवल अकेले उनकी मृत्यु से जोड़ करके हम नहीं देख सकते। समाज के उस हिस्से को देखना पड़ेगा जिसके लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे, उसके लिए सहायता के लिए, उसके लिए संघर्ष के लिए। उसका बड़ा नुकसान हुआ है और शायद इससे केंद्र की भरपाई संभव नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि उनके तमाम समर्थकों को, परिवार को, ईश्वर को योगदान करने की क्षमता प्रदान करें। विधानसभा में आपके साथ प्रतिपक्ष में रहे, कैसी इनकी हमेशा जनता की आवाज़ उठाने के लिए क्या रहा, किस तरह से? मैंने उसी को कोट किया ना, पाँच साल में हम साथ साथ रहे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसपे सुंदरलाल तिवारी जी नहीं बोलते रहे। विधानसभा के अंदर कोई प्रश्न आया है उसमें जरूर खड़ा होकर के हस्तक्षेप करते थे, बोलते थे, और हमेशा गरीबों के प्रति जो बात हो सकती थी उसको रखने का प्रयास करते थे।